क्या मेला होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, पूरा रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ रंगीला 2.0 का बाद में, आप देख रहे हैं जी 2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम पहुँच गए हैं कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी के प्रांगण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ के नाच गान प्रोग्राम सारा चीज देश दुनिया विदेशों में देखा जाता है, तो गंगा नदी के जलस्तर में काफी तेज रफ्तार में वृद्धि हो रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में तेज रफ्तार में वृद्धि होने के साथ साथ यहाँ की मेला की चर्चा और बढ़ जाता है, क्योंकि इस मेले में इतना खर्च होता है, इतना इन्वेस्ट होता है, ताकि सबको अफसोस आ जाता है कि इतना करने धरने के बावजूद अगर पानी की गंगा नदी के जलस्तर साथ नहीं देगा तो सारा चौपट हो जाता है। इसी की वजह से यहाँ का मेला सुर्खियों में आ जाती है। हालांकि ये बिहार में बाढ़ नहीं है, बिहार के अलावा यूपी समेत कई राज्यों में बाढ़ है। यूपी में एक दो सप्ताह भारी बारिश होने से पूरा यूपी तबाही है। यूपी के पानी बिहार में घुस गया है, जो कि गंगा नदी के सहारे हम लोग हैं। गंगा नदी के अलावा और सहायक नदी नहरों में काफी जोर शोर से बाढ़ है। नेपाल में बाढ़ है, बिहार के अलावा बंगाल भी बाढ़ से तबाही है। हालांकि हमारे संवाददाता और कई अन्य सूत्रों का मानना है कि ये तो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है। हो सकता है 25 सितंबर के बाद पानी की जलस्तर कम होने की संभावना है। हालांकि 25 सितंबर का जितिया पर्व है, जितिया पर्व तक पानी बढ़ने की ज्यादा उम्मीद रहता है, उसके बाद घटने का उम्मीद रहेगा। अगर जितिया पर्व में पानी नहीं घटा तो तब दुर्गा पूजा के बाद पानी अवश्य घटेगा। बात रहा यहाँ की नाच गान प्रोग्राम के लिए, मेला के लिए, अगर इस तरह का बाढ़ रहेगा तो बाढ़ में मेला होगा नहीं। हालांकि मेला में आने के जो साधन था पिछले वर्षों के मुताबिक से इस दो वर्षों से अच्छा साधन है, दुर्गा स्थान तक आ सकते हैं। क्या मेला होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, पूरा रिपोर्ट में बताएंगे। हालांकि 2019 में जब पंडाल बना था तो उस टाइम भी पानी से पूरा जलमग्न था, जिसके कारण से बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ था, कलाकार उस टाइम काफी क्षति हुआ था। 15 सितंबर को जलस्तर में पूरा बराबर था, 16 सितंबर से 19 सितंबर तक गंगा नदी के जलस्तर लगभग 12 से 15 फीट मोटा हो गया है, जिसके कारण से गंगा नदी के आसपास जितने सहायक नदी नहर है सारे में जलस्तर वृद्धि तेज रफ्तार में हो रही है। मेले के आकर्षण केंद्र के रूप में दुबई के बुर्ज खलीफा के इमारत के तर्जाधार पर कल्याणपुर बड़ी दुर्गा के भव्य पंडाल गेट बन रहा है, जो कि लंबाई 80 फीट, चौड़ाई 55 फीट और ऊंचाई 150 फीट, जिसका कलाकार झारखंड गिरिडीह से चलकर आया है, न कि बंगाली है। 25 कारीगर प्रतिदिन दो शिफ्टों में दिन रात काम कर रहा है। यह कलाकार कल्याणपुर बड़ी दुर्गा के भव्य पंडाल के स्वरूप पिछले 12 वर्षों से दे रहा है। दुर्गा मंदिर के पीछे स्टेज के सामने पूर्व साइड जहां की कैलाश पर्वत बन रही है, 150 फीट चौड़ा, 70 फीट मोटा, 75 फीट ऊंचा वाली कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत के ऊपर 75 फीट शंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित होगा, जो की बनकर तैयार हो गया है, बस इस कैलाश पर्वत का इंतजार हो रहा है। इसके साथ साथ गंगा नदी के जलस्तर साथ नहीं दे रहा, फिर भी यहाँ के कारीगर मिस्त्री कामों में लगा हुआ है। ये कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी की प्रांगण है, ये मंदिर है, स्टेज है, स्टेज के सामने मेला परिसर में पूरी तरह से पानी फैला हुआ है, जो कि गंगा नदी के जलस्तर का पानी है, जो कि ऊपर एरिया यूपी के अलावे कई राज्यों में भारी बारिश होने से गंगा नदी के जलस्तर में लंबा उछाल आया है।